धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राजौरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। सरकार प्रशासनिक तरीके से पूर्ण रूप से विफल हो गई है। कांग्रेस सरकार न तो कोरोना प्रबंधन को सही तरीके से संभाल पाई और न ही प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल पा रही है। कांग्रेस अपनी आपसी कलह में उलझ गई है। इस पर भी कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार या गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाए तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसे निलंबित करने के लिए आधी रात को कार्यालय खोलकर बैठ जाती है। अब इस दमनकारी सरकार का अंत निश्चित है। ग्रेटर जयपुर के मेयर श्रीमती सौम्या गुर्जर और उनके साथ में जिस प्रकार से कुछ पार्षदों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया है, ये अत्यंत ही दुखद, निंदनीय और शोभनीय घटना है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जनता के सामने असफल होती जा रही है, लोकप्रियता खोती जा रही है, जनाधार खोती जा रही है, अपना जनाधार खोने के बजाय और जो जनाधार से चुनी हुई सरकारों को, जो निगम को गिराने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, मैं इसकी बरसक शब्दों में निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि गहलोत सरकार अपने इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर निंदा करती है। मैं करौली और धौलपुर की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर से जयपुर ग्रेटर की मेयर और उनके साथी पार्षदों के निलंबन की घोर निंदा कर